हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ए गर्ल विथ बास्केट टोकरी वाली लड़की के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द राइटर गोइंग, फ्रॉम वेयर ही डिड ही स्टार्ट, हाउ डिड ही ट्रेवल। लेखक कहाँ जा रहा था, वह कहाँ से चला, उसने कैसे यात्रा की। आंसर है, द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, ए हिल स्टेशन ऑन द हिमालयाज। ही ट्रेवल्ड अप टू बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। लेखक नई दिल्ली से रानीखेत जा रहा था, जो हिमालय पर्वत का एक पहाड़ी स्थान है। वह बरेली तक रेलगाड़ी से और फिर रानीखेत कार से गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड विलियम सी डगलस डू टू नो अबाउट द रियल फीलिंग ऑफ द पीपल इन इंडिया। विलियम सी डगलस ने भारत में लोगों की वास्तविक भावना के बारे में जानने के लिए क्या किया। आंसर है, टू नो अबाउट द रियल फीलिंग ऑफ द पीपल इन इंडिया, विलियम सी डगलस टॉक टू द इंग्लिश नोइंग इंडियंस ऑन हिज जर्नी। ही टॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड द करंट टॉपिक ऑफ द डे। भारत के लोगों की वास्तविक भावना के बारे में जानने के लिए विलियम सी डगलस ने अपनी यात्रा के दौरान अंग्रेजी जानने वाली भारतीयों से बात की। उन्हें विश्व राजनीतिक और वर्तमान समय के विषयों के बारे में बात की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट पिक्चर डिड द ऑथर कैरी बैक इन हिज माइंड ऑफ इंडिया एंड हर पीपल एज ए होल। लेखक भारत तथा उसके लोगों के बारे में कुल मिलाकर अपने मस्तिष्क में क्या चित्र लेकर गया। आंसर है, द राइटर थॉट दैट द पीपल ऑफ इंडिया वेयर फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, दे वेयर फुल ऑफ डिसेंसी, ए सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड डिजायर फॉर फ्रीडम। दस ही कैरीड बैक इन हिज माइंड ए नोवेल पिक्चर ऑफ आवर कंट्री एंड द पीपल। लेखक ने सोचा कि भारत के लोग आत्मसम्मान और गरिमा से भरे हुए थे, वे शालीनता, नागरिकता की भावना और स्वतंत्रता की इच्छा से भरे हुए थे। इस प्रकार उन्होंने अपने दिमाग में हमारे देश और लोगों की एक महान तस्वीर वापस लेकर गए। क्वेश्चन नंबर फोर, डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सेंस द राइटर सा ऑन हिज वे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। उन वस्तुएँ एवं दृश्यों का वर्णन कीजिए जो लेखक ने नई दिल्ली से रानीखेत जाते समय रास्ते में देखे। आंसर, ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत द राइटर सॉ प्लेटफॉर्म्स ओवर क्राउडेड विथ द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड ट्रेड्स, द रिच प्लेन्स ऑफ गंगा, डीप थिक फॉरेस्ट विथ वाइल्ड एनिमल एंड हाउस मेड ऑफ मड वॉल्स। दिल्ली से रानीखेत जाते हुए लेखक ने प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक व्यापार के लोगों से भरे हुए प्लेटफार्म देखे, गंगा का उपजाऊ मैदान देखा और जंगली जानवरों से भरे हुए घने जंगल देखे तथा मिट्टी की दीवारों से बने मकान देखे। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजी, व्हाट वेयर दे डूइंग फॉर ए लिविंग। शरणार्थियों की क्या दशा थी, वह जीविका के लिए क्या कर रहे थे। आंसर, द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजी वॉज वेरी माइजरेबल, दे हैड टू लीव देयर प्रॉपर्टी एंड द हाउस इन पाकिस्तान, दे वेयर विथआउट ऑक्यूपेशन, दे वेयर पुअर हंग्री होमलेस एंड जॉबलेस, फॉर देयर लिविंग दे सोल्ड चीप एंड हैंडमेड आर्टिकल्स। उन्हें पाकिस्तान में अपनी संपत्ति व घर छोड़ देने पड़े थे, वे बेरोजगार थे, वे गरीब भूखे बिना घर के व बिना रोजगार के थे, वे अपनी रोजी रोटी के लिए हाथों से बनी हुई वस्तुएं बेचा करते थे। मैंने जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर बताए, अगर आप इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हुए इसे याद करेंगे तो काफ़ी इजी वे में ये याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा।